हिमाचल में 3 दिन से हो रही बारिश से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नदियां उफान पर हैं, वहीं दूसरी ओर नालागढ़ के साथ लगते नालागढ़ रामशहर रोड पर जगह जगह भूसंकलन हो रहा है, जिस कारण गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं, लोग सुबह से ही जाम में फंसे हैं, जिस कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोग इतने परेशान हैं कि वो प्रशासन को जो है बुरा भला कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो 4 घंटे से जाम में फंसे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। उधर जब इस बारे पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछा गया तो उन्होंने कहा उनकी ओर से जेसीबी मशीन भेजी गई है, जैसे ही बारिश कम होती है वैसे ही रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। नालागढ़ से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। पर उस जेसीबी ने भी 1 घंटा काम किया, उसके बाद वो भी हट गई। नहीं पॉप लेने आने वाली है, पर यहाँ इस टाइम पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं आया, ठीक है। बच्चे ठीक है, ठीक है। सर मेरा नाम सुनील कुमार है। सर कितने टाइम से खड़े हैं आप यहाँ पे? सर हमें 3.5 घंटे हो गए हैं। हाँ जी, हम सुबह तकरीबन 6 बजे से चले थे तो यहाँ पे 7:30 तक पहुँच गए थे। तो अभी तक यहाँ पे कोई साधन नहीं है आगे जाने का। यहाँ पे बहुत बारिश, स्लाइडिंग हो रखा है, बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं जिनका अभी जेसीबी भी कुछ नहीं उठा रही है और काम नहीं कर पा रही जेसीबी। और हमने जेसीबी वाले से बात की है कि भाई काम करो, हमें निकालने आगे गाड़ी निकालनी है। तो जेसीबी वाले ने बोला कि अभी जो पॉपलाइन मशीन आएगी वही काम कर पाएगी, यहाँ पे हमारे बस का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे प्रशासन भी हमारा कोई देख रेख में नहीं अभी कोई पहुँचा है। प्रशासन से क्या उम्मीद अभी आपकी? सर प्रशासन से क्या उम्मीद रखे, अब हम बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी है, यहाँ पे कोई आने जाने का भी साधन नहीं है। हम सुबह से यहाँ पे भूखे हैं, यहाँ पे कुछ खाने का साधन भी नहीं है। ये देखो हमारे इधर अंकल जी बैठे हैं साथ में, ये भी हमारे साथ परेशान हो रखे हैं सुबह से। और गाड़ियाँ भी जो है